हेलो फ्रेंड्स, स्टार सेंसर कमीशन एसएससी की ओर से नया इंपॉर्टेंट नोटिस आ गया और ये जो नोटिस है वो सीएचएसएल एग्जाम 2020 को लेकर के, जिसमें से रिजल्ट को जारी कर दिया गया डिस्क्रिप्टिव टाइप टू एग्जामिनेशन का और इसमें शॉर्टलिस्ट कर दिया कैंडिडेट्स लोग को जो कि टेस्ट और टाइपिंग टेस्ट के लिए यहाँ पे सिलेक्ट हुए हैं। तो इसी के बारे में जानकारी है, तो देखिए इसके बारे में पूरी जानकारी को बताता हूँ मैं। तो रिजल्ट ऑफ टायर वन सीबीई कम्बाइंड हायर सेकेंडरी 10+2 लेवल एग्जामिनेशन 2020 ऑन 27/10/2021 विच वाज लेटर रिवाइज एंड डिक्लेयर ऑन 3/1/2022। तो यहाँ पे जो है इसका टायर वन एग्जामिनेशन का रिजल्ट जारी कर दिया गया था पहले 27/10/2021 को, फिर बाद में उसी को चेंज करके डिक्लेयर किया गया था 3/1/2022 में। और उसमें से यहाँ पे देख सकते हैं ए टोटल ऑफ 45,480 कैंडिडेट्स क्वालिफाइड फॉर टायर टू डिस्क्रिप्टिव पेपर फॉर द ऑफ द एग्जामिनेशन विच वॉज कंडक्ट ऑन 9/1/2022। तो जिसमें से यहाँ पे 45,480 कैंडिडेट्स जो कि टायर टू के लिए सिलेक्ट कर दिए गए थे, और ये जो है टायर टू एग्जामिनेशन हुआ था आपका 9 जनवरी 2022 को, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। तो 9 जनवरी 2022 को डिस्क्रिप्टिव पेपर हो गया था। इसके बाद में है यहाँ पे बेस्ड ऑन द कट ऑफ फिक्स्ड बाय द कमीशन इन टायर वन प्लस टायर टू ए टोटल 28,133 कैंडिडेट्स हैव क्वालिफाइड फॉर टेस्ट टाइपिंग टेस्ट। कैटेगरी वाइज डिटेल्स ऑफ कैंडिडेट्स हु हैव प्रोविजनली क्वालिफाइड फॉर अपेयरिंग इन टेस्ट टाइपिंग टेस्ट एंड द कटअप्स फॉर ईच कैटेगरी आर गिवन। तो यहाँ पे है सर्च करने के बाद में टायर वन प्लस टायर टू का आपका मार्क्स जोड़ने के बाद में टोटल 28,133 कैंडिडेट्स को सिलेक्ट कर दिया गया है जो कि टेस्ट और टाइपिंग टेस्ट देंगे। और इसके बारे में आप लोग आगे में देख सकते हैं, जिसमें से कटअप मार्क्स को भी यहाँ पे आप लोगों को नीचे में दिया गया है कैटेगरी वाइज। तो ये है आप लोगों का ध्यान में रखना है। साथ साथ यहाँ पे देखिए कैंडिडेट जो कि एल डी सी जे एस ए एंड पी एस ए के लिए है कैटेगरी यहाँ पे दिया गया। साथ यहाँ पे कट ऑफ मार्क्स जो कि टायर वन टायर टू मिला करके दिया गया। अवेलेबल कैंडिडेट्स आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे, तो अवेलेबल कैंडिडेट्स जो है 28,133 है। और इसके अलावा आप लोगों को यहाँ सारा चीज़ें को किस प्रकार से बांटा गया वो आप लोगों को यहाँ बताया गया। तो आप लोग सारे को सारे देख सकते हैं अपना जो है कट ऑफ मार्क्स किस प्रकार से है और अवेलेबल कैंडिडेट्स कैसे हैं। इसके अलावा मैं आप लोग यहाँ पे दूसरा वाला जो है लिस्ट टू, उसमें देख सकते हैं जी डी ई ओ पोस्ट के लिए यहाँ पे टेस्ट टेस्ट के लिए। तो यहाँ पे टोटल 374 कैंडिडेट्स अवेलेबल हैं आप लोग कैटेगरी वाइज, और साथ साथ में कट ऑफ मार्क्स को यहाँ पे देख सकते हैं। और यहाँ पर इसके अलावा मैं आप लोग सारी चीज़ें यहाँ पे एक एक करके पढ़ सकते हैं। फिर है यहाँ पर साहब तो पता है कि नोटिस द एग्जामिनेशन ओनली दोज कैंडिडेट्स हैव बीन कंसीडर्ड एलिजिबल फॉर शॉर्ट लिस्टिंग हु हैव स्कोर्ड मोर देन 33% मार्क्स इन टायर टू ऑफ द एग्जाम। तो यहाँ पे टायर टू एग्जाम जिसका भी मार्क्स 33% से ज़्यादा था उसी को यहाँ पे शॉर्टलिस्ट कर दिया गया, ये भी यहाँ पे साफ साफ कहना है। इसके अलावा में आपका जो इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी, तो टेस्ट और टाइपिंग टेस्ट फॉर ऑफ द क्वालिफाइड कैंडिडेट्स विल बी हेल्ड ऑन 1/7/2022 एंड द डिटेल शेड्यूल विल बी अपलोडेड अवेलेबल ऑन द वेबसाइट ऑन कंसर्न रीजनल ऑफिसर्स। तो ये जो है आप लोगों का एग्जाम होगा वो होगा 1 जुलाई 2022 को, जो भी टेस्ट देंगे टायर टू एग्जाम पास करने के बाद में। तो ये जो डेट है आपका 1 जुलाई, वो आप लोगों को ध्यान रखना है। इसके अलावा में है यहाँ पे मार्क्स ऑफ द क्वालिफाइड एंड अनक्वालिफाइड कैंडिडेट्स विल बी अपलोडेड ऑन द वेबसाइट ऑफ द कमीशन ऑन 25/2022। द फैसिलिटी विल बी अवेलेबल फॉर ए पीरियड फ्रॉम 25/2022 to 10/6/2022। कैंडिडेट्स में चेक देयर इंडिविजुअल्स मार्क्स बाय लॉग इन थ्रू देयर रजिस्टर्ड आईडी और पासवर्ड। तो यहाँ पे जो है क्वालिफाइड और अनक्वालिफाइड कैंडिडेट्स लोग के मार्क्स को अपलोड कर दिया गया है यहाँ पे 20 मई 2022 में ही, यानी कि 20 मई को ही। और ये जो अवेलेबल रहेगा आप लोगों का 20 मई से लेकर के 10 जून तक आपका ये पीरियड तक आपको ये फैसिलिटी मिलेगा। तो आप लोग जो है अपना इंडिविजुअल मार्क्स को देख सकते हैं, जिसमें से आप लोग रजिस्टर्ड आईडी और पासवर्ड डाल करके यहाँ पे अपना मार्क्स को देख सकते हैं। ये देखिए अंडर सेक्रेटरी देख सकते हैं आप, यहाँ पे 20 मई 2022 का है, तो आप लोग जो है 20/5 से इस चीज़ को देख सकते हैं। तो यहाँ पे जो साफ साफ है वो है आपका जो है कि टेस्ट टेस्ट कब होगा, तो वो होगा 1/7/2022 को, ये इम्पोर्टेंट डेट है। और इसके अलावा आप लोग जो है अवेलेबल कैंडिडेट्स जो हैं वो सब सारी चीज़ों को देख सकते हैं। तो ये जो इम्पोर्टेंट नोटिस था वो था सीएचएसएल एग्जामिनेशन, जिसका रिजल्ट को जारी कर दिया गया है डिस्क्रिप्टिव पेपर टायर टू का, उसके बाद में शॉर्ट लिस्ट कर दिया गया है कैंडिडेट्स लोगों को टेस्ट और टाइपिंग टेस्ट के लिए। तो यही एक नया और इम्पोर्टेंट नोटिस है आप लोगों के लिए। तो जितने भी कैंडिडेट्स पास कर चुके हैं वो इस डेट को साथ साथ में ये नोटिस को ध्यान देंगे।